हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। टाइटल से भाई आपको समझ आ चुका होगा आज की वीडियो में क्या होने वाला है। हम जाने वाले हैं शोरूम और टाटा हैरियर सफारी की बुकिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। पहले ही मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ भाई, कमेंट सेक्शन में आए क्लिक बेट ये वो, जब मैंने नेक्सोन की वीडियो डाली थी ना भाई बुकिंग की, उसमें बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आया था। और यार एक तो शोर इतना हो रहा है ना, क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। घूम मारते हैं दिखा भाई अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे। आज भाई मैं जा रहा हूँ करनाल की साइड। हाँ, मैं अपनी बात कम्प्लीट करता हूँ और अकेले ट्रेवल कर रहा हूँ, इसमें इधर बैठ के जाऊंगा, बट स्टिल बात कम्प्लीट कर लेते हैं। पहले मैं आपको वही बता रहा था, नेक्सोन की वीडियो में ना अच्छा रिस्पॉन्स आया था, उसमें यही कमेंट से कि भाई जो ऐसी बुकिंग वाली वीडियो होती है वो बनाया करो ताकि ग्राउंड रियलिटी हमें पता चले। और जो ये सेगमेंट है ना भाई, ये किसी ने भी ना छेड़ा नहीं है कि बुकिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन उसी दिन देना जिस दिन बुकिंग स्टार्ट हो रही है। खासकर जो कारें हाइप में होती है, बहुत भाइयों के मन में ना क्यूरियोसिटी होती है कि भाई क्या सीन होगा क्या नहीं। तो इस वीडियो में ना भाई यही सब मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल ही ग्राउंड रियलिटी दूंगा टाटा सेल्स एग्जीक्यूटिव की कि भाई क्या क्या सीन है, कितने की बुकिंग हो रही है, क्या प्राइसेस वगैरह उन्हें पता चले अभी तक या नहीं पता चले हैं। और आप सोचोगे बट आप इस साइड कहां जा रहे हो, तभी तो भाई चंडीगढ़ वगैरह में तो देखो सारे जानते हैं, उन्हें पता है कि ये वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो बंदे समझ रहे हो ना बिल्कुल खुल के नहीं बोलते वो चीजें। बट जहां पे मैं आज जा रहा हूँ उधर कोई जानता नहीं है, और स्पेशली मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही ट्रेवल कर रहा हूँ ताकि आप सबको ना बिल्कुल ही ग्राउंड रियलिटी मिले क्या है क्या नहीं, नहीं तो भाई वीडियो तो चंडीगढ़ मोहाली भी बन जाती। तो इसी बात पे ना भाई वीडियो को ना आज से लाइक कर देना, एंड अगर आप लोग चैनल पे न्यू है चैनल को आज से सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, इट विल मीन अ लॉट टू मी। बाकी तो भाई अभी उड़ते उड़ते चलते हैं। मैंने सोचा पहले ही ना चीजें क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो फिर यही आता है क्लिक बेट ये, मतलब की एक दो ही आते हैं भाई, भगवान जी की कृपा से ना ऑडियंस ऐसी है कि जो बहुत ज्यादा प्यार ही देती है, बट स्टिल एक दो चीज होती है ना वो मेरा पर्सनली मन करता है कि क्लियर कर देनी चाहिए। और यार मैं इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई करता हूँ, उसमें भी आता है भाई क्लिकबेट क्यों भाई। बट एनीवे ये सब चीजें छोड़ते हैं भाई, देखो दोनों कारों की ना भाई हाइप तो जबरदस्त है, स्कॉर्पियो हैरियर। आई नो एक तरह से सेम चीजें ही लगती हैं सबको, बस वही अपने लेमन लैंग्वेज में तो बोलते हैं भाई, दो सीट एक्स्ट्रा लगी सफारी बन गई। बट हाँ कहीं ना कहीं भाई फीचर्स वगैरह ये सब चीजें भी एक्स्ट्रा आपको सफारी में मिल जाती है, तो प्राइस भी तो हाँ एक्स्ट्रा ही पे करना पड़ता है। बट अब थोड़ी सी कार की बात करें ना, देखो मैं 6 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ जिस दिन बुकिंग स्टार्ट हुई है, अभी तक जो भी टीजर्स आए हैं ना भाई कार नो डाउट बहुत ही जबरदस्त लग रही है। सबसे पहले हम हैरियर की बात करें, फ्रंट से ना कहीं जो हेडलाइट यूनिट वगैरह है ना, मुझे पर्सनली लग रहा है कि नेक्सोन से ही इंस्पायर होकर इन्होंने दिया है। बट ठीक है, फ्रंट जब अच्छे से रिवील होएगा ना, इसकी हम इन डिटेल तभी बात करेंगे, वैसे भाई चैनल में ना पूरी प्रॉपर वीडियो आई जाएगी भाई जब भी ये कार हमारे इधर आएगी। बट जो इंटीरियर इन्होंने दिखाया यार जबरदस्त, आई नो आप लोगों को भी शायद से लग रहा होगा कि भाई ये नेक्सोन से मिलता जुलता ही तो इंटीरियर है, बस एक एम्बिएंट लाइट तो ऐड हो चुकी है। तो भाई मैं आपको बता दूं, नेक्सोन हैरियर सफारी इन तीनों में ना अब आपको जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, इंफोटेनमेंट स्क्रीन होगी, लगभग ना सेम सी ही मिलेगी, मतलब कि पार्ट शेयरिंग आप इसे कह सकते हैं। बट अब सफारी की बात करें, सुनने में आ रहा है भाई, देखो अभी कोई पक्की बात तो है नहीं, मैं बोल दूं कि भाई 4x4 आएगा, सुनने में आ रहा है कि भाई सफारी में 4x4 आ सकता है, उसे ज्यादा ऑफ रोड ओरिएंटेड व्हीकल बनाने की कोशिश करेंगे। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, मेरे ख्याल से यार अभी भी ना फ्रंट व्हील ड्राइव कार ही आएंगी। बाकी तो हाँ पेट्रोल इंजन भाई इस बार आएगा, पहले आपको होता है डीजल वही 2.0 फिएट का आता था जो अराउंड 170 bhp और 350 Nm ऑफ टॉर्क आपको प्रोवाइड करता था, बट इस बार कह रहे हैं कि पेट्रोल इंजन आ जाएगा। और अगर आ जाएगा तो भाई जो मेरे भाई दिल्ली NCR रहते हैं उनकी मौज हो जाएगी, क्योंकि उधर भाई डीजल का वही 10 साल पेट्रोल 15 साल ये सब रूल वगैरह चलते रहते हैं। बट जो मुझे पर्सनली लगता है ना भाई, जो एक ब्रांड बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होगा इन चीजों से, सफारी और हैरियर का महिंद्रा भाई, XUV700 पे बंदे शायद ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कारें बना रहे हैं टाटा। बट ठीक है, अभी ज्यादा बात नहीं करते, जब कार आ जाएगी ना तभी बात करेंगे, है ना, पता चले हम अभी तारीफ कर रहे हैं, जो टीजर्स वगैरह आए हैं बाद में वही दिक्कत वाला हिसाब किताब हो गया। बट यार एक चीज बताना, जब वरना में वो आगे LED कनेक्टिंग हेडलाइट आई तब सारे उसे ट्यूबलाइट कह रहे हैं, अब सफारी नेक्सोन EV में भी आई है, हैरियर में भी आएगी, उसकी भाई तारीफ कर रहे हैं, क्या चल रहा है भाई, ये टाटा फैन बॉयज थोड़ा ज्यादा ही सोशल मीडिया पे हो रखे हैं। चलो जी उड़ते उड़ते पहुंच चुके हैं, ये सामने है टाटा का शोरूम, कार देखते हैं कहाँ पार्क करते हैं, अंदर ही ले जू क्या वो भी कहेंगे। स्कॉर्पियो में पहुंच गए, टाटा सफारी हैरियर बुक करवाने हैं, वाओ टाइटल मिल गया है तो मुझे, पहुंचे शोरूम टाटा सफारी हैरियर बुक कराने। भाई नेक्सोन EV वगैरह तो खड़ी है इधर, हमारे उधर तो नेक्सोन EV अभी तक आई भी नहीं। और एक कलर देखना कौन सा है, बढ़िया सा लग रहा है भाई, लग रहा होगा आपको कैमरे में ब्लैक्स है भाई, ये तो आइस इंजन वाली नेक्सोन है, पीछे है नेक्सोन EV, वो कलर बढ़िया लग रहा है, अभी देखते हैं, पहले कोई आ जाए भाई बंधु है ना उससे पूछे क्या है भाई बुकिंग अमाउंट, हैरियर सफारी की सेम ही होगी वैसे दोनों की। तो भाई इधर भैया तो बता रहे हैं कि बुकिंग वगैरह इधर स्टार्ट नहीं हुई है, बट ऑनलाइन तो दिखा रहे हैं 6 तारीख से स्टार्ट है यार। अच्छा मतलब कि शोरूम्स में अभी कहीं नहीं है अपडेट है, किसी को ऊपर भी हायर हायरार्की वगैरह कहीं पे कुछ भी नहीं है। वैसे आपके हिसाब से बुकिंग अमाउंट वही रहेगी ना 21,000 जो पहले थी,
मतलब अगर किसी को बुक करानी है अनऑफिशियल तो करा ही सकता है बंदा बुकिंग, वो तो आपने ले भी ली होंगी अभी, आप बता रहे थे 5-10 बुकिंग तो हो ही होंगी है ना। हैरी और सफारी दोनों की 21,000 है, और प्राइस वगैरह कब तक आएगा? कोई अपडेट नहीं अभी, वो भी कोई अपडेट नहीं है। ये ऐसा कुछ होता है क्या भाई, टाटा वगैरह पहले मना कर देता है क्या कि जब तक हम ऑफिशियली ना बताएं आप किसी को बताना मत? अभी कोई अपडेट ही नहीं हमारे पास कि कब तक गाड़ी आएगी हमारे पास। अच्छा हाँ, अभी लॉन्च का तो कहीं पे भी अपडेट नहीं है, मंडे तक पता लग ही जाएगी क्या प्राइस आएंगे। अच्छा मंडे को पता चलेगा प्राइस का भी कुछ क्या नहीं। प्राइस का तो छोड़ो यार, प्राइस का तो हमें पता है, नेक्सॉन का जैसे हुआ था कार दिखा दी उसके बाद प्राइस आए थे, इसका भी यही करेंगे, पहले मीडिया वाले को कार दिखाएंगे फिर 10-15 दिन खींचेंगे उसके बाद प्राइस आएगी ताकि थोड़ी हाइप बने ना। मतलब कि 100 बात की एक बात है, अभी कोई अपडेट नहीं है, बट बुकिंग आप भाई करा सकते हो, 21,000 से बुकिंग स्टार्ट है। अभी आपके आसपास भी शोरूम है ना, उधर भी जाके पूछोगे ना यही सीन होएगा कि अनऑफिशियल बुकिंग हो रही है। अनऑफिशियल वैसे कितने दिनों से हो रही है बुकिंग? पहले से, ये तो पहले ही करवा रहे हैं कि जल्दी मिल जाए। इस पे बुकिंग टाइम तो वही है, अभी तो बुकिंग टाइम भी कुछ नहीं पता यार जब कार ही नहीं आई। वैसे नेक्सॉन भी क्या चल रहा है बुकिंग टाइम अभी? इसकी कोई अभी तक वेटिंग पीरियड नहीं आया। अभी इसकी डिलीवरी भी नहीं स्टार्ट करी क्या आपने नेक्सॉन की? डिलीवरी शुरू हो गई है। अच्छा, बट वेटिंग पीरियड नहीं है। और भाई एक और दिक्कत मैं आपको बताता हूँ, अभी तो आपको पता है कार तो रिवील हुई नहीं है, सिर्फ बुकिंग स्टार्ट हुई है, तो ब्राउचर ऑब्वियसली बात है भाई तभी नहीं आया, ब्राउचर में तो सब कुछ ही पता चल जाता है ना कार के बारे में। बाकी तो भाई आप देख सकते हो शोरूम में अभी तक पुरानी सफारी खड़ी है, और ये मेरे ख्याल से वही है अपर वेरियंट ही है कोई, फ्रंट कैमरा अच्छा जी टॉप मॉडल है भाई ये तो। ये भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ जस्ट इन केस अगर आपको न्यू सफारी में इंटरेस्ट नहीं है, इसी सफारी में इंटरेस्ट है तो आप ये भी बाय कर सकते हो। इनमें ना जो अच्छी बात हो जाती है ना, जैसे पुरानी नेक्सॉन होगी, सफारी होगी, हैरियर होगी, अब जो पुरानी होगी इनमें ना आपको अप टू 1 to 1.5 lakhs तक का ना डिस्काउंट मिल जाता है। तो हाँ, अगर किसी को ये लेनी है आप ये भी ले सकते हो, नंबर मैं भाई का दे दूंगा। और यही हुआ था भाई नेक्सॉन में, अगर किसी ने नेक्सॉन वाली वीडियो देखी है उस वीडियो में भी ना यही सीन था, नेक्सॉन की बुकिंग ओपन हो गई थी उस दिन, बट ब्राउचर वगैरह कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ बुकिंग अमाउंट एक्सेप्ट करते हैं, 21,000 आपने दे दिया, रिसिप्ट दे देंगे, ये आपने कार बुक कराई है। वेरिएंट वगैरह भी बस वही होता है, टॉप बेस ये लिख देंगे, क्योंकि अभी वेरिएंट भी आउट वगैरह नहीं हुए हैं, कार की कोई भी इन्फॉर्मेशन आउट नहीं हुई है। शोरूम में भी बंदे देख रहे थे, जो भाई थे ना वो भी पूछे थे भाई स्कॉर्पियन है अब आप कौन सी प्रेफर कर रहे हो ये वो, बट ठीक है नो फ्लेक्सिंग, बट ऑन अ सीरियस नोट भाई अब स्कॉर्पियन हो चाहे XUV700 हो इनकी गेम बजेगी यार, जो कार आ रही है ना भाई सही में। और जो जो मैंने आपको इनिशियली इन्फॉर्मेशन दी थी ना इनको भी भाई यही सब पता था, मतलब कि ये तो ये भी खुल के नहीं बता रहे थे, और मैं समझता हूँ भाई क्यों नहीं बता रहे थे, क्योंकि इन पे ऊपर से प्रेशर होता है, कहीं पे दिखेगी वीडियो वगैरह इनकी भी तो समझ रहे हो ना दिखते आ जाती हैं, इसलिए भाई सिर्फ और सिर्फ ये एक ही चीज पे अटके थे, आपने नोट किया हो कि हमारे पास कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड एक चीज जो मैं आपको बतानी भूल गया, जैसे नेक्सॉन ईवी है वैसे ही हैरियर ईवी और सफारी ईवी भी इस बार हमें देखने को मिल सकती है, वैसे देखने को मिलेगी हो तो स्पाई शॉट्स में भी आई रही है, और ऐसे नहीं बोलना हाँ नेक्सॉन डॉट ईवी, हाँ टाटा ऐसे बोलता है ना डॉट ईवी। बट ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको ना एक बात समझाता हूँ, थोड़ा सा वो 1.5x कर लेना चाहे बट बहुत जरूरी बात है, आजकल के टाइम में ना सारा खेल हो चुका है मार्केटिंग का, पहले कहाँ होता था कि बुकिंग अब से स्टार्ट है, कार हम अगले महीने दिखाएंगे, डिलीवरियां उससे अगले महीने स्टार्ट होगी, जैसे एलिवेट का होता वैसा ही भाई ये सारे ब्रांड्स करते हैं। शुरुआत ये महिंद्रा ने करी थी मेरे ख्याल से XUV700 से शुरुआत हुई थी, पहले दिखाएंगे ठीक है जी, मीडिया इवेंट्स वगैरह होंगे, बुकिंग स्टार्ट होगी, मिलेगी बाद में, जब मिलने स्टार्ट होगी उसके बाद बुकिंग पीरियड इतना दिखा देंगे कि बंदे कहेंगे यार ऐसा क्या है कार में। वही सब अब टाटा करा भाई, नेक्सॉन में भी इन्होंने ऐसे ही करा था, बुकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। अब मैं हैरियर का भी आपको पहले बता देता हूँ, वो आप बाद में यूट्यूब पे देख लेना, यही बेटर इन्फो होएगा, बुकिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है, थोड़े दिनों में आपको मीडिया हाउसेस की वीडियोस दिख जाएंगी, पहले इंप्रेशन वाली फिर ड्राइव वाली फिर बाद में पूरा रिव्यू वगैरह। मीडिया इवेंट्स भी पता है क्यों होते हैं, ताकि सोशल मीडिया के थ्रू मीडिया हाउसेस के थ्रू आप सबको मतलब कि कस्टमर्स को एक इमेज चल जाए कार की। आपने एक चीज नोट करना, जो मीडिया वाली वीडियो डालते हैं ना नेगेटिव्स ना बहुत घूम फिर आके बताते हैं, मैं ये नहीं कर रहा बताते नहीं, जो उनकी ओपिनियन वाली वीडियो आती है ना वो भी बाद में, पहले आता है फर्स्ट इंप्रेशन, ये आपने नोट करा होगा शायद से, उसके बाद ये एक डेट निकालते हैं जिस दिन प्राइस आते हैं और उसी दिन हमें शोरूम में देखने को मिलती है कार, वही 12-1 बजे इनका फिर से एक इवेंट होता है दिल्ली वगैरह की साइड, तो ये हिसाब किताब चलता है भाई। बट हाँ कहीं ना कहीं इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हाँ बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, 21,000 rupees दे के आप बुकिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, बट इन्होंने तो अभी भी यही बोला कि ऑफिशियल हम पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट स्टिल आप बुकिंग करा सकते हैं। और जो इनके यूट्यूब चैनल है उस पर टाइटल भी इन्होंने यही लिख रखा था कि 6 तारीख से स्टार्ट है, आज 6 तारीख है तो आने वाले टाइम में वही ऑफिशियल बुकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ऑफिशियल अनऑफिशियल क्या ही होता है यार, बस मेरे ख्याल से तो आज के टाइम में जो ऑफिशियल है वो कि भाई आप ऑनलाइन बुक करा रहे हो, अनऑफिशियल जो डीलर पे बुक करा रहे हो, क्योंकि ऑफिशियल कहते हैं कि
डायरेक्ट पोर्टल पे चल जाती है। बाकी तो यही जाने भाई अंदर ही अंदर क्या होता है। आज तक मतलब कि 2 साल हो चुके हैं जब से महिंद्रा की बुकिंग का स्कैम है, किसी को समझ ही नहीं आया किस बेस पे कारें मिलती हैं। जिन्होंने इंट्रोडक्टरी पे करा किसी किसी को वो अभी तक नहीं मिली है स्कॉर्पियन, बाकी जिन्होंने बाद में बुक कराई है उन्हें मिल भी रही है। तो वही है, ये बुकिंग वगैरह पे तो हम कुछ नहीं बोल सकते। बाकी कार के बारे में जो जो मुझे पता है भाई मैंने अभी बता दिया, ये मैं झूठे ला रहे तो आपको दूंगा नहीं, ये आएगा वो आएगा। बट यस एक चीज पक्की है भाई, जब भी कार शोरूम में आई पक्का भाई बहुत ही जबरदस्त वीडियो सुपर सून आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।